Hey, what's up, guys? This is me, Ravind Rana. Welcome back to the new video. दोस्तों, ये है बैक वॉकओवर. आप भी इसे गौर से देख लें, क्योंकि अभी आपको ये नहीं आता हो, लेकिन आगे मैं जो 6 एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं, उसकी मदद से आप भी इसे बहुत इजीली परफॉर्म कर पाएंगे. साथ ही इसके बाद आप बैक हैंड स्प्रिंग, बैक फ्लिप, 360 जैसे फ्लिप भी आसानी से कर पाएंगे. तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज से. सबसे पहले आपको फुल बॉडी वार्म अप करना है, जिसमें आपने सबसे पहले हाई नी टैप, रिस्ट रोटेशन, रिस्ट स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेच विथ वॉल एंड शोल्डर रोटेशन करना है रबर बैंड के साथ. अगर आपके पास बॉम्बे स्टिक है तो बॉम्बे स्टिक के साथ भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. दोस्तों, बैक वॉकओवर के लिए आपके पास स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जो कि हम आगे एक्सरसाइज से इम्प्रूव करने वाले हैं. अब हम पहले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्ट्रेंथ दोनों को एक साथ इम्प्रूव करेगा. इस तरह से लाइन पोजिशन में आ जाए. अब आपको लाइन पोजिशन से आर्क पोजिशन में आना है दिखाए गए तरीके से, और कुछ देर के लिए होल्ड करना है. यह एक्सरसाइज आपके बैक और शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को इम्प्रूव करेगा. ध्यान रहे, बॉडी के मिडिल पार्ट को ऊपर खींचने का प्रयास करना है. इसके आपने 6 से 8 रेपिटेशन करने हैं, और लास्ट स्टेज में आपको 6 से 10 सेकेंड तक का होल्ड करना है. So guys, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड एक्सरसाइज में, जिसमें आपको अपनी बॉडी का वेट शोल्डर प्लस दोनों हाथों में ट्रांसफर करना है. किस तरह से, आइए देखते हैं. तो दोस्तों, पहले इस तरह से वॉल के पास आ जाएं लाइंग पोजीशन में, और जितना क्लोज लगा सकते हैं हाथों को उतना क्लोज लगाएं. अब स्ट्रेच करते हुए हाफ ब्रिज पोजीशन में आ जाएं. अब पैरों से पीछे की तरफ यानी हाथों की तरफ प्रेस करते हुए पूरा बॉडी वेट शोल्डर एंड दोनों हाथों में लाने की कोशिश करें. दोनों पैरों से प्रेस करना है पीछे की तरफ यानी दोनों हाथों की तरफ. चेस्ट को मैक्सिमम स्ट्रेच करने की कोशिश करना है दोनों एल्बोज को स्ट्रेट रखते हुए. दोस्तों, भले ही आपके पास बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो, लेकिन अगर आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ कम है तो आपका बैक वॉकओवर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. इसलिए हम इन एक्सरसाइज के जरिए स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को ही इंप्रूव करेंगे. तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. इन सारे एक्सरसाइज को कितना सेट और कितना रेपिटेशन करना है, वो मैं साइड स्क्रीन में दिखा दूंगा, आप उसे देखकर ही प्रैक्टिस करें. दोस्तों, इन सारे एक्सरसाइज में से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो है, अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है बैक वॉकओवर करने से. क्योंकि दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. सबसे पहले वॉल के पास आ जाएं. अब दोनों हाथों को जमीन में लगाते हुए हल्का किक करें और हैंड स्टैंड पोजीशन में आ जाएं. हैंड स्टैंड होने के बाद आपको वॉल से थोड़ा दूर लेकर जाना है दोनों हाथों को. अब दोनों शोल्डर को स्ट्रेच करते हुए चेस्ट को बाहर की तरफ निकालें. कुछ देर इस स्टेज में होल्ड करें. अब आपने पैरों से पुश करते हुए और हाथों से पुश करते हुए पीछे की तरफ वॉकओवर का फिनिशिंग मूवमेंट कंप्लीट करना है. इस एक्सरसाइज की मदद से हम अपने शोल्डर को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ और हाफ रोटेशन को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करेंगे. फोर्थ एक्सरसाइज. दोस्तों, हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम फुल रोटेशन को प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सपोर्ट के साथ. सबसे पहले वॉल के पास इस तरह से जितना क्लोज हो सकते हैं उतना क्लोज आ जाएं, और लाइंग पोजीशन से
चक्रासन यानी हाफ ब्रिज पोजिशन में आ जाएं। वेट आने के बाद अब आपने दोनों पैरों से वॉल को प्रेस करते हुए फुल रोटेशन को कंप्लीट करना है दिखाए गए तरीके से। ध्यान रहे दोस्तों, रोटेशन कंप्लीट करने से पहले आपका वेट दोनों शोल्डर और दोनों हाथों में आना चाहिए, तभी जाके आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं इस एक्सरसाइज से। दोस्तों ये एक्सरसाइज मैं स्टेप बाय स्टेप इजी टू हार्ड सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, आप इसी सीक्वेंस में इसे प्रैक्टिस करें, तभी जाके आप इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने में भी इजी रहेगा। सो गाइस बढ़ते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। अब आपको स्टैंडिंग टू आर्क पोजिशन में जाना है इस एक्सरसाइज के जरिए। तो किस तरह से करना है एक बार अच्छे से देख लें। सबसे पहले दोनों पैरों को साथ में रखते हुए इस तरह से खड़े हो जाएं। अब बॉडी वेट को पीछे नहीं बल्कि आगे की तरफ रखना है और दोनों पैर में बैलेंस रखते हुए चेस्ट और हेड को पीछे लेकर जाना है। मिडिल पार्ट को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए इस तरह से आर्क बनाने की कोशिश करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए और आपका बैलेंस ना हो। अगर आप नी स्ट्रेट रखते हुए आर्क पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आपने इस तरह से नी को फोल्ड करते हुए पहले जमीन में जाने की कोशिश करना है। धीरे धीरे हल्का नी को स्ट्रेट रखते हुए और बॉडी को आर्क बनाते हुए इस तरह से आपने जाना है। अब धीरे धीरे हाथ लगाने की कोशिश करें और नी को स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से आर्क बनाने की कोशिश करें। इतना होने के बाद अब धीरे धीरे आपका जो बैक आर्क पोजीशन है उसे ठीक करें। अगर आपसे फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से वॉल के साथ इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वॉल के करीब आ जाएं और पीछे की तरफ आर्क बनाते हुए दोनों हाथों को वॉल के साथ लगा लें। अब धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए नीचे आर्क पोजीशन में जाएं। जितना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल होंगे और जितना मैक्सिमम आप स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छी तरह से आप इसे परफॉर्म कर पाएंगे। सो गाइस बढ़ते हैं सिक्स्थ एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें अब आपको रोटेशन की प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टैंडिंग टू आर्क पोजीशन में जाना है। अब आर्क पोजीशन में दोनों हाथों में वेट शिफ्ट करना है। दोनों हाथों में वेट शिफ्ट करने के बाद दोनों पैरों से पुश करते हुए ऊपर की तरफ उठना है दिखाए गए तरीके से, और अगर आपसे होता है तो रोटेशन कंप्लीट करने की कोशिश करना है। ध्यान रहे वॉक ओवर तभी कंप्लीट हो पाएगा जब आप बॉडी वेट को दोनों शोल्डर और हाथ में लेकर जाएंगे। इसके लिए आपको दोनों पैर और हाथों को जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज लेकर आना है और आपका पुशिंग मूवमेंट दोनों हाथों की तरफ होना चाहिए। अब आपने धीरे धीरे आर्क पोजीशन को अच्छा करते हुए रोटेशन करने की कोशिश करना है। होल्ड पहले स्टार्टिंग में होल्ड करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करें, उसके बाद हम फाइनल स्टेप में कंटिन्यू मूवमेंट में स्टैंडिंग टू आर्क एंड रोटेशन पोजीशन को प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब आ जाते हैं हम फाइनल स्टेप में, जहां आपको फुल रिदम के साथ बिना रुके वॉक ओवर को कंप्लीट करना है। किस तरह से, आइए देखते हैं। सो गाइस ये थे 6 एक्सरसाइज जिनकी मदद से आप भी बैक वॉकओवर को इतने ही इजी तरीके से कर सकते हैं जितना मैंने दिखाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।